गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रेजेंट टाइम में कोई भी किया हुआ कार्य रनिंग कंटिन्यू अवस्था में रहता है। अगर हिंदी से पहचाना जाए तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं पाया जाता है। अब आ जाया जाए रूल्स। पॉजिटिव सेंटेंस अगर रहता है तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग इज एम आर, फिर वर्ब फोर, वर्ब फोर मतलब वी वन प्लस आई एन जी, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब इज एम आर का यूज़ कहाँ होता है? सब्जेक्ट जब आई रहता है तब हम यूज़ करते हैं एम का। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर रहने पर इज एक्सेप्ट यू, यू के साथ इज का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे यू आर प्लेइंग, यू इज प्लेइंग कभी नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लूरल रहने पर हम लोग आर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखा जाए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, आई एम राइटिंग अ लेटर, दे आर सिंगिंग। अब यही अगर चेंज हो जाए, जैसे पॉजिटिव के जगह पर अगर ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाए, तब हम लोग सब्जेक्ट इज एम आर इसके बाद नॉट यूज करते हैं, फिर भी फोर और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, दे आर नॉट सिंगिंग। अब नेगेटिव के जगह अगर यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हो जाए, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हो जाए, तब हम लोग इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, आर दे सिंगिंग। अब इसी में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ मेरा नेगेटिव भी हो, तब हम लोग इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट के जगह पे इज एम आर सब्जेक्ट के बाद नॉट, वी फोर और ऑब्जेक्ट कर देते हैं, या इज एम आर के साथ भी हम लोग नॉट लगा सकते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फोर और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो जाएगा, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, या हम लोग इसके साथ इसको आर नॉट दे सिंगिंग ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब
नेक्स्ट आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।